देश में बढ़ती बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा आज पटना में सड़कों पर पैदल मार्च किया। यह पैदल मार्च युवा बिहार कांग्रेस के बैनर तले आयोजित की गई, जिसमें बिहार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पटना यूनिवर्सिटी गेट से सरदार पटेल हॉस्टल तक पदयात्रा किया। सरदार पटेल के प्रतिमा पर माले अर्पण कर हमारे रिपोर्टर से बातचीत में क्या कहा गुंजन पटेल, आप सुनिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में हम लोग इसे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। इसलिए बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर पद यात्रा निकालकर युवाओं से संवाद स्थापित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का वादा था 2 करोड़ रोजगार सालाना, लेकिन स्थिति ऐसी है कि संस्थाओं का निजीकरण कर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल और मीडियम कैप के इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद करके रोजगार के अवसर को मार दिया जा रहा है। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को SSC की किताब भी भेंट की है कि एक बार आप पढ़ करके देखें कि एक साधारण सी नौकरी पाने के लिए युवाओं को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और मैं उनसे मांग करता हूं कि तत्काल आप अपने नीतियों में सुधार करिए, अन्यथा आपको इसके कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज पटना यूनिवर्सिटी से हम लोग यात्रा निकाल करके सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर इस संपद यात्रा को अंत करेंगे। देखिए, असर तो उनको पड़ना चाहिए, क्योंकि जब देश का नौजवान जागेगा, और ये इतिहास है कि जब देश का नौजवान जागता है तो इतिहास रचता है। तो आपको समझना चाहिए कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से कोई एक वर्ग जो ठगा गया है इस हिंदुस्तान में वो नौजवान है और यूथ है हिंदुस्तान के। इसी के अनुरूप हम लोगों ने आज उनके जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देश पर बिहार युवा कांग्रेस का तमाम जिला मुख्यालय में ये कार्यक्रम जो हो रहा है, जो आज पटना में भी आपके सामने हो रहा है। आपका कहना है क्या असर पड़ेगा? मोदी जी को आँख खोलना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। हिंदुस्तान का नौजवान जाग उठा है तो उन्हें भी जागना होगा। दौलत इमाम, कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में आज राष्ट्रीय रोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्योंकि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जब देश में ये सत्ता में आने से पहले देश के नौजवानों को एक सब्जबाग दिखाया, सालाना 2 करोड़ नौकरी देने की बात को कही, जस्ट उसके परे 6 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और केंद्र शासित इनकी सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत देश के नौजवानों का सालाना 2 करोड़ नौकरी छीनने का कार्य को किया। आज उसके खिलाफ यहाँ बिहार के पटना में बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के बैनर तले रोजगार दो पदयात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। और इस पदयात्रा के जरिए से देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जो बिहार के नौजवान आज के समय में बेरोजगार है और मजबूर है, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे रोजगार के वजह से वो मजबूर है और आत्महत्या तक करने के लिए आज के समय में मजबूर है, उनको नौकरी देने का कार्य को करें। प्रभारी बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस।